रामविलास पासवान जाएंगे जेल, सवाल तो बड़ा है लेकिन सवाल है। प्याज के फेर में अब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान फंस गए। प्याज की बढ़ती महंगाई को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। प्याज के बढ़ते दाम पर नियंत्रण नहीं करने को लेकर ये परिवारवाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। बता दें कि प्याज के बढ़ते मूल्य ने पूरे देश को रुला दिया है। इसका दाम घटने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे लेकर देश की तरह बिहार में भी सियासत तेज है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर बना हुआ है, जबकि जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव तो पटना में बजाबता ठेला लगाकर प्याज बेच रहे हैं। साथ ही वे एनडीए सरकार पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में प्याज के दाम पर नियंत्रण नहीं होने को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। मिठनपुरा इलाके में रहने वाले राजू नैयर ने ये परिवाद दायर किया है। परिवाद में कहा गया है कि 6 दिसंबर को टीवी चैनलों पर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का बयान प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें प्याज को लेकर उनके द्वारा दिया जाने वाला बयान जनता को गुमराह करने वाला था। जनता को गुमराह कर प्याज की कालाबाजारी करवाई जा रही थी। ये आम लोगों के साथ धोखाधड़ी है। इस परिवाद पर सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि प्याज को लेकर बिहार में सियासत पहले से ही तेज है। जाप नेता पप्पू यादव ठेला लगाकर पटना में प्याज बेच रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने बीजेपी ऑफिस के सामने ठेला लगाकर 35 रुपए किलो प्याज बेचा। इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास के सामने प्याज बेचा। इस बार उन्होंने प्याज की कीमत 5 रुपए कम कर दी। इतना ही नहीं, लोजपा कार्यालय के आगे भी उन्होंने 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा। गौरतलब है कि प्याज को लेकर बिहार में सियासत पहले से ही तेज है। जाप नेता पप्पू यादव ठेला लगाकर पटना में प्याज बेचे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास के सामने भी तमाम लोग पहुंचे थे। अब देखिए कि प्याज को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा था, अब परिवारवाद दायर हो चुका है। रामविलास पासवान जेल जाएंगे, सवाल बड़ा है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया को दीजिए इस पर ढेर सारे सुझाव और ढेर सारे जवाब। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।